टॉपिक है प्राइवेटलाइजेशन या फिर प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण, जिसका वीडियो पार्ट नंबर टू। अब वीडियो पार्ट नंबर टू में हम बात करने वाले हैं भारत में निजीकरण या प्राइवेटलाइजेशन इन इंडिया, मतलब भारत के अंतर्गत निजीकरण के बारे में। इससे पहले हमने वीडियो पार्ट वन नंबर वन में निजीकरण का अर्थ, परिभाषा, क्षेत्र विशेषता और गुणों के बारे में, इनका विस्तार के बारे में पहले बात कर चुके हैं और उनका इतिहास भी जान चुके हैं। वीडियो पार्ट नंबर टू में हम जानेंगे भारत में निजीकरण। तो भारत में निजीकरण के बारे में बात करते हैं। भारत में निजीकरण स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, मतलब स्वतंत्रता जैसे ही प्राप्त हुई भारत ने क्या किया, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में देखें तो जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी अपनाया, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र तो अपनाया ही है, सरकारी क्षेत्र तो देश के अंदर अपनाया गया, लेकिन निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट क्षेत्र को भी इतनी अच्छी अहमियत दी जितनी प्राइवेट गवर्नमेंट क्षेत्र को दी गई। 1975 तक भारत में राष्ट्रीयकरण का दौर चला और 1980 में यह थम गया। उसके बाद 1985 यानी 1985 के बाद आर्थिक नीतियों को उदारीकरण का दौर प्रारंभ हो गया, जिसे देखकर यह कहा जा सकता है कि देश में निजीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। मतलब 1985 के बाद आर्थिक नीतियों में उदारीकरण की, मतलब आर्थिक नीतियां बनाई, जो उद्योग की आर्थिक नीतियां ही बनाई जा रही थी उसमें उदार नीतियों को अपनाया जाने लगा। 1985 से पूर्व तक क्या था कि भारत में जो सरकारी क्षेत्र था वह निजी क्षेत्रों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके चल रहा था, जिसमें कई सारी नीतियों को ना बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के कारण देश विकास की गति को धीमी गति से विकास करने लगा था। जिसके बाद 1985 का जब आर्थिक नीतियों का जब और उदारीकरण की नीति अपनाई गई तो देश में एकदम तेजी का आर्थिक विकास को देखा गया, जिसके कारण देखकर कहा जा सकता है कि उसमें नीतियों में निजीकरण को भी बढ़ावा दिया गया। अब निजीकरण को जब बढ़ावा दिया गया तो इसे देखकर कहा जा सकता है कि उस टाइम भारत में निजीकरण को अपना लिया जाना प्रारंभ कर दिया गया। जिन उद्योगों को 1948-1956 में औद्योगिक नीति के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के आरक्षित किया, मतलब जिन उद्योगों को 1948-1956 में जो औद्योगिक नीति घोषित की गई थी, औद्योगिक नीति के बारे में हमारी अलग से वीडियो आएगी जिसमें औद्योगिक नीति के बारे में आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। औद्योगिक नीति, प्रत्येक औद्योगिक नीति के बारे में, कौन कौन सी औद्योगिक नीति में क्या क्या परिवर्तन, क्या क्या नियम और क्या क्या नियम को उधार निजीकरण या बदला गया इसके बारे में। तो फ्रेंड देखिए 1948-1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसके अंतर्गत क्या सार्वजनिक क्षेत्रों को आरक्षित कर रखा था कि ये क्षेत्र सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र लगाए जा सकते हैं, मतलब इनमें तुम प्राइवेट क्षेत्र नहीं लगा सकते। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो लगाए गए थे उनमें उदार नीति अपना ली गई थी, अर्थात उनमें निजी क्षेत्र के लिए खोला जाने लगा 1985 के बाद धीरे धीरे निजीकरण के लिए खोल दिया गया। और 1991 की जो नीति आई थी उस प्रक्रिया में उदार नीति अपनाई गई, भारत में निजीकरण की प्रक्रिया में कुछ एक कदम उठाए गए। मतलब क्या 1951 की जो एक नीति बनाई गई थी, इससे पहले 1977 की बनाई गई थी, 1956 की बनाई गई थी, 1948 की बनाई गई थी, इन नीतियों में क्या इतनी उदार नीति नहीं अपनाई गई थी। जब भारत आर्थिक स्थिति से जूझने लगा, अर्थव्यवस्था चरमराने लगी तो 1991 में इन नीतियों बहुत ही ज्यादा ढील दे दी गई और ढील देने के कारण आज भारत इस औद्योगिक नीति में इतनी उन्नति करने लगा है। और 1991 की जो नीति अपनाई गई थी उसमें निजीकरण को भी बहुत अच्छा बढ़ावा दिया गया था। अब उसमें निजीकरण को क्या क्या बढ़ावा दिया गया था, भारत में निजीकरण की बात चल रही है, भारत में निजीकरण को क्या क्या बढ़ावा दिया गया था उनकी बात कर लेते हैं। आप देखिए फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की संख्या में कमी, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में जो आरक्षित उद्योग थे, मतलब जिन उद्योगों को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र लगा सकता है, उन उद्योगों की संख्या में कमी कर दी गई। मतलब अब उन सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ ही उद्योग मात्र रख लिए गए जिनको सिर्फ सरकारी क्षेत्र लगा सकता है, नहीं सभी क्षेत्रों को धीरे 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 प्राइवेट क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। देखे तो देखो फ्रेंड्स, 1956 में औद्योगिक नीति में 1956 की जो औद्योगिक नीति थी उसमें 17 उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए रिजर्व किया गया था, मतलब उनको आरक्षित कर दिया गया था कि सिर्फ ये सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लगाए जा सकते हैं। लेकिन उन आरक्षित उद्योगों को 1991 की जो नीति है उसमें घटाकर 8 कर दिया गया, मतलब 8 ही उद्योग रख दिए गए सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। उसके बाद 1993 में 6 कर दिए गए और वर्तमान में इन उद्योगों की संख्या है जो मात्र 3 है। उद्योगों की संख्या कितनी है, मात्र
तीन तीन ही ऐसे रिजर्व उद्योग है जिनको सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, अन्यथा सभी क्षेत्रों को और सभी क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। और लेकिन ये तीन उद्योगों में भी आजकल तो तीन उद्योगों में भी निजी क्षेत्र का कुछ कुछ अहमियत दे दी गई। जैसे रेलवे, रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग है लेकिन इसमें भी निजीकरण को थोड़ा थोड़ा अपना लिया गया है। इस तरीके से तीन ऐसे उद्योग है जिनको सार्वजनिक क्षेत्र के लिए नहीं, सभी छवि के सबके सब उद्योग निजीकरण के अंतर्गत निजी क्षेत्र के लिए खोल दिए गए हैं। अगली जो व्यवस्था की गई थी इसमें जो निजीकरण के लिए अगली जो व्यवस्था की गई थी, तो देखिए लाइसेंस लाइसेंस की अनिवार्यता वाले उद्योगों में कमी। 1991 में क्या है, 18 उद्योग ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य था, लेकिन अगस्त 2000 में 5 प्रकार के उद्योगों को ही सिर्फ लाइसेंस की अनिवार्यता कर दी। उनके अलावा और अन्य उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता की जरूरत नहीं है, मतलब लाइसेंस की अनिवार्यता को रद्द कर दिया गया। वो कौन कौन से उद्योग है, जैसे एल्कोहल पेय पदार्थ, मतलब एल्कोहल पेय पदार्थों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता है। इलेक्ट्रॉनिक, एयरफोर्स और सुरक्षा उपकरण के लिए। तीसरा है तंबाकू युक्त पदार्थ के लिए। चौथा है औद्योगिक विस्फोटक। और पांचवा है जोखिम युक्त रसायन के लिए जो है लाइसेंस की आवश्यकता होगी, अन्यथा किसी उद्योगों के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता नहीं होगी, जिससे क्या निजीकरण को बढ़ावा मिलने लगा। आगे बात करते हैं निजीकरण के लिए, देखिए सार्वजनिक उपक्रमों के अंश पूंजी का विनियोग। सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी का विनियोग, तो देखिए फ्रेंड्स सरकार ने अनेक सार्वजनिक उपक्रमों की अंश पूंजी को जनता के लिए निवेश, जनता में विनिवेश कर दिया। मतलब क्या, सरकार ने अपने डिपार्टमेंट, जो सरकारी डिपार्टमेंट है उसकी जो अंश पूंजी है, सरकार ने जिन जिसमें अंश पूंजी लगा रखी है, मान लीजिए तुम सरकारी डिपार्टमेंट का रेलवे डिपार्टमेंट लीजिए, जिसमें रेलवे डिपार्टमेंट में सरकार की सरकारी डिपार्टमेंट पे, तो उसमें 100% सरकार की पूंजी लगी हुई है। उसमें से क्या किया, उसमें से सरकार अपनी पूंजी को धीरे धीरे निजी उद्योगों या जनता के लिए बेचने लगी, जिससे क्या सरकार ये तो गया प्राइवेट क्षेत्र में, धीरे धीरे रेलवे प्राइवेट क्षेत्र में जाता है और सरकार को मिल जाता है धन, और सरकार को धन मिल जाता है तो वह अपने सरकार अन्य क्षेत्रों में विकास के लिए उस धन को काम में ले सकती है। इसी तरीके से देखिए सर्वप्रथम 1991-92 में 30 सार्वजनिक उपक्रम, मतलब 30 ऐसे डिपार्टमेंट थे जिनका विनिवेश कर दिया गया, मतलब उनकी संपत्तियों का सरकार ने अपना त्याग करके निजी क्षेत्र में ट्रांसफर करने लगी थी, उस जिससे सरकार को कितने पैसे प्राप्त हुए, 8,721 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात 2000 और 2003-04 में अंशों का विनिवेश किया गया और समय समय पर अब भी सरकार अपनी सरकारी उपक्रमों के जो अंश पूंजी है उसका विनिवेश कर रही है, जिससे सरकार को पैसा प्राप्त होता है और सरकार उसको अन्य क्षेत्रों में काम में लगा देती है और इधर की तरफ निजीकरण को बढ़ावा मिलता जाता है। आगे बात करते हैं बैंकों में 70% अंश पूंजी निजी क्षेत्र को देने का प्रावधान। जो बैंकों के अंदर 70% अंशपूंजी थे वो इनको निजी क्षेत्र के लिए, जैसे अभी अभी बताया था, जैसे अब इसमें बैंक की जो बैंक के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंक है, राष्ट्रीयकृत बैंक में क्या है सरकार की हिस्सेदारी बहुत अधिक होती है, तो जिसमें क्या बैंक ने 70% हिस्सेदारी जनता के लिए खोल दी, मतलब 70% शेयर को जनता के या उद्यमी को बेचने लगी, जिससे कारण क्या निजीकरण को बढ़ावा मिला, मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों की अंश पूंजी का 70% हिस्सा पूंजी क्षेत्र विनियोग जनता के लिए जारी कर दिया गया और सरकार को इससे पैसे प्राप्त होने लग गए और निजी क्षेत्र को बढ़ावा मिलने लगा। अब बात करते हैं निजी क्षेत्र के बैंकों की स्थापना की अनुमति, मतलब निजी क्षेत्र के बैंक की स्थापना की भी अनुमति दे दी गई थी निजीकरण के अंतर्गत। निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए अब निजी क्षेत्र या निजी साहसियों को बैंकों की स्थापना की छूट दे दी, मतलब निजी साहसी भी बैंक खोल सकते हैं। आगे जो उधार नीति अपनाई गई थी, एक तरीके से जो आगे छूट दी गई थी निजीकरण के लिए, वो थी निजी सहयोग निधियों की स्थापना। मतलब पहले अब तक देश में सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिट ट्रस्ट ही ऐसी संस्था थी जो सहयोग निधि की स्थापना के लिए कार्य करती थी, मतलब निजी क्षेत्र को सहयोग देने के लिए सरकार की ही एक ऐसी यूनिट ट्रस्ट थी जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करती थी। लेकिन वर्तमान किंतु अब देखिए सरकार ने इस निजी क्षेत्र के सहयोग को देने के लिए निजी सहयोग निधियों की स्थापना की छूट दे दी, मतलब निजी व्यक्ति भी सहयोग निधि स्थापना कर सकते हैं, इसकी छूट
दे दी। अब वर्तमान में मार्गेन स्टेवेल और स्टेनियस और सेंचुरी एप्पल समूहों ने अपने निजी सहयोग की स्थापना कर दी जो निजी क्षेत्र के उपक्रमों को पूंजी जुटाने में सहयोग प्रदान करते हैं। मतलब निजी क्षेत्र के उद्यमियों, निजी क्षेत्र की बड़े बड़े कंपनियों और निजी क्षेत्र के जो उद्योगपति है उन्होंने भी निजी क्षेत्र की स्थापना कर दी। पहले सरकार का एकमात्र ट्रस्ट था जो निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सहयोग प्रदान करता था, लेकिन अब निजी क्षेत्र के लिए भी ऐसी व्यवस्था कर दी जिससे निजी क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा मिला। आगे बात करते हैं पूंजी बाजार का विकास। सरकार ने निजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने के उद्देश्य से पूंजी बाजार विकास के लिए सेबी नामक संस्था का गठन किया। अब यह संस्था विनियमक केंद्र तथा मर्चेंट बैंकर, लीड बैंकर, ब्रोकर, सब ब्रोकर आदि का पंजीयन करके उनके काम काज की समीक्षा करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जिससे देश के पूंजी बाजार का विकास हो रहा है। मतलब क्या, सरकार ने पूंजी बाजार को बढ़ावा देने के लिए, मतलब शेयर मार्केट की तरीके से कह सकते हैं, शेयर जो पूंजी अंश पूंजी है उनको बढ़ावा देने के लिए क्या किया, एक उनको कंट्रोल करने के लिए सेबी एक्ट बना दिया गया, सेबी नाम की संस्था बना दी जिससे सेबी एक्ट के तहत क्या है, जो भी पूंजी संस्था है उनका उनमें पंजीकरण करवाना होगा, जो भी ब्रोकर है जो शेयर पूंजी बाजार में काम करते हैं उनको अपना पंजीकरण उसके अंदर करवाना होगा। मतलब पूंजी बाजार से संबंधित पूरे नियम और नियंत्रण करने के लिए एक सेबी नाम की एक बड़ी संस्था का गठन कर दिया सरकार ने निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या उन पर अपनी नजर रखती है सेबी नामक संस्था। दूसरी है विदेशी वित्तीय संस्थाओं का पंजीकरण। विदेशी वित्तीय संस्थाओं देश में अंश ऋण पत्र में अन्य प्रतिभूतियों में धन विनियोग करने वाली विदेशी संस्थाओं का पंजीयन इस देश में पूंजी को उपलब्धता में सुधार हुआ। मतलब विदेशी जो भी वित्तीय संस्थाएं थी, जो विदेश की वित्तीय संस्थाएं थी जो निजी क्षेत्र में वित्त उपलब्ध करवाती है उन संस्थाओं का भी पंजीयन भारत के अंदर करने लग गए जिससे निजी क्षेत्र विदेशी पूंजी भारत के अंदर निवेश करने लग गई। मतलब विदेशी संस्थाएं भी भारत के अंदर निवेश करने लग गई जिससे क्या निजीकरण को बहुत अच्छा बढ़ावा मिला था। इस तरीके से अगला जो ढील दी गई वो कौन सी थी, तो देखिए फ्रेंड्स विदेशी कंपनियों के पूंजी निवेश की सीमा की अभिवृद्धि। मतलब सरकार ने देश की कंपनियों को विदेशी सहयोग की पूंजी निवेश की सीमा को बढ़ाकर 51% कर दिया। मतलब क्या की गई है, सरकार ने कंपनियों में विदेशी सहयोग, जो विदेश से पूंजी लगाई जाती थी, मतलब विदेशी व्यक्ति भारतीय कंपनियों में जो पूंजी लगाता था उसकी सीमाएं पहले क्या थी कि 30% या 40% थी, जिससे सरकार कम क्यों रखती थी कि ताकि विदेशी कंपनी जो विदेशी विनियोग करता है वो इस पे हक ना जमा सके, जिससे सरकार को डर रहता था वो कम निवेश करने की, मतलब उनकी सीमाओं को कम रखा गया था। लेकिन बाद में क्या है, इस सीमा को बढ़ाकर 51% कर दिया। मतलब देश की कंपनियों में विदेशी व्यक्ति 51% तक का निवेश अपनी देशी कंपनियों में विदेशी व्यक्ति कर सकता है, ऐसी व्यवस्था इस निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई थी। दूसरी करें तो विदेशों में प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति। मतलब सरकार ने देश के निजी क्षेत्र में कंपनियों को अधिक सस्ते विनियोग साधन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से उन्हें विदेशी बाजार में अपनी प्रतिभूतियां जारी करने की अनुमति कर दी और अब कंपनी अब स्वयं अपनी प्रतिभूतियां बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में सफल हो रही है। मतलब क्या कि सरकार ने पहले यह नियम बना रखा था कि निजी कंपनी विदेश में अपनी प्रतिभूतियां नहीं बेच सकती, मतलब विदेश में अपनी प्रतिभूतियां बेचने के लिए उन्हें सरकार की अनुमति लेनी होती थी। सरकार ने बाद में इस अनुमति को हटा दिया तो प्राइवेट कंपनियां, मतलब निजी कंपनियां अपनी विदेश में अपनी प्रतिभूतियां बेचकर वहां से विदेशी मुद्रा प्राप्त कर सकती है, ऐसी व्यवस्था कर दी गई निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए। आगे है कुछ उद्योगों में 100% विदेशी निवेश की छूट, विशिष्ट उद्योगों में 9 आधारित उद्योग और 13 प्राथमिक उद्योगों में 100% निवेश की अनुमति कर दी। मतलब कुछ उद्योगों के लिए 100% निवेश विदेशी निवेश प्राप्त करने की अनुमति भी सरकार ने दे दी गई निजीकरण को बढ़ावा देने के लिए। अगर बात करते हैं पूंजी निवेश के आधार पर नियंत्रण की समाप्ति। मतलब क्या, पहले पूंजी निवेश के आधार पर नियंत्रण किया जाता था कि सरकार निजी क्षेत्र में
मतलब पहले एमआरटीपी और औद्योगिक विकास अधिनियम के अंतर्गत पूंजी निवेश के आधार पर उद्योगों पर अनेक नियंत्रण लागू होते थे, किंतु अब यह समाप्त कर दिया। मतलब क्या, पहले पूंजी जितनी पूंजी निवेश कर रखी है सरकारी क्षेत्र ने, इस बार नहीं प्राइवेट क्षेत्र ने, उसके आधार पर इसको उसका नियंत्रण रखा जाता था, लेकिन ऐसी अब समस्या ऐसी नियंत्रण को हटा दिया गया। अब सरकार का नियंत्रण निजी क्षेत्र पर जिन पर रहेगा उन पर रहेगा, जिन पर नहीं रहेगा उन पर नहीं रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। आगे है विदेशी व्यक्तियों की नियुक्ति। मतलब सरकार अब विदेशी व्यक्तियों में प्रबंधकीय पदों के लिए नियुक्ति के बहुत कम नियम रह गए। मतलब विदेशी व्यक्ति देश अपने भारतीय, मतलब भारत की किसी कंपनी में विदेशी व्यक्ति प्रबंध के पद पर कार्य कर सकता है। मतलब उनको अनुमति दे दी गई कि विदेशी व्यक्ति भारत की किसी भी कंपनी में प्रबंध के पद के संचालन के लिए कार्य कर सकता है, लेकिन विदेश में जब वह जाएगा तो उसे पहले क्या था कि विदेशी मुद्रा में भुगतान नहीं दिया जाता था, मतलब देश की मुद्रा में भुगतान दिया जाता, लेकिन जब अर्थव्यवस्थाओं को वैश्वीकरण किया गया, मतलब विश्व में मुद्राओं का ट्रांसफर किया गया था, तो अब क्या है, भारत में जो विदेशी व्यक्ति कार्य करने आ रहा है उसकी मुद्रा का एक्सचेंज दूसरी मुद्रा में कर दिया जा सकता है। मतलब उसके कुछ नियमों को अब संशोधन करके उसमें सुधार कर दिया गया। और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों में कर्मचारियों को शैक्षिक निवृत्ति के लिए गोल्डन हैंड कैश योजना लागू कर दी गई। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र के जो कर्मचारी हो उनको स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है तो वह उसके लिए भी गोल्डन हैंड कैश योजना लागू कर दी गई। वह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति चाहता है तो वह ले सकता है। और देश में वायु परिवहन में निजी व्यक्तियों को लाइसेंस देना प्रारंभ कर दिया। मतलब वायु क्षेत्र के लिए भी, वायु क्षेत्र के जो परिवहन है उन वायु क्षेत्र के परिवहन बनाने के लिए या वायु क्षेत्र के परिवहन से सेवा देने के लिए भी निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की अनुमति भी दे दी गई। आगे बात करते हैं, देश में स्पीड पोस्ट, दूर संचार सेवा क्षेत्र, कोरियर सेवा क्षेत्र, पीसीओ, एसटीडी सेवाओं को निजी क्षेत्र में प्रवेश दे दिया। मतलब एसटीडी की सेवा, कोरियर की सेवा, स्पीड पोस्ट की सेवाओं को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया और निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। देश में सार्वजनिक वित्तीय संस्थाएं जैसे आईएफसीएल, आईडीबीआईटी इत्यादि बैंकों की पूंजी को भी जनता में निर्गमित कर दिया। मतलब सार्वजनिक क्षेत्र की जो संस्थाएं थी उनकी पूंजी को जनताओं में निर्गमित कर दिया जाने लगा और निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाने लगा। देश की निजी क्षेत्र में कंपनियों को बिजली और टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र में कई छूट प्रदान कर दी गई। मतलब देश की निजी क्षेत्र की जो कंपनियां उनको कम्युनिकेशन के क्षेत्र में और बिजली के क्षेत्र में भी कई छूट प्रदान कर दी गई कि तुम इतनी बिजली चलाओ उतनी छूट। मतलब बिजली के क्षेत्र में और टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी इनको बहुत अच्छी प्रदान कर दी गई, जिससे निजीकरण को बहुत अच्छा बढ़ावा मिला। बीमा व्यवस्था में भी निजीकरण की व्यवस्था दे दी गई। मतलब बीमा व्यवस्था पे LIC, जैसे LIC कंपनी आज निजी क्षेत्र चला रहा है, इसी तरीके से बीमा क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन सभी पॉइंटों को जो हमने अब तक पढ़े उन सभी पॉइंटों से के आधार पर निजीकरण को अच्छा बढ़ावा दिया गया सरकार के द्वारा। तो भारत की जो निजीकरण की व्यवस्था थी, निजीकरण की भारत के अंदर निजीकरण की बात करें तो इन सभी व्यवस्थाओं के आधार पर निजीकरण को अच्छा बढ़ावा दिया गया। उसके बाद देखिए निजीकरण में कुछ और भी अच्छे प्रभाव दिए गए, जैसे सरकार ने नवरत्न लघु रत्न लाभ अर्जित करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम को व्यापक वित्तीय संचालन अधिकार का अंतरण कर दिया गया। मतलब नवरत्न लघु रत्न और लाभ अर्जित, अधिक से अधिक जो कंपनियां लाभ अर्जित करती है उनकी वित्त की व्यापक व्यवस्था और संचालन के लिए संचालन का अधिकार अर्जित कर दिया। मतलब वित्त की अधिक से अधिक व्यवस्था हो और संचालन का अधिकार भी उनको अधिक से अधिक प्रदान कर दिया गया। कौन को? नवरत्न कंपनी, लघु रत्न कंपनी और अधिक से अधिक लाभ अर्जित करने वाली कंपनियों को। और उनके लिए देखिए अल्प रत्नों के समूहों में सम्मिलित नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL, आयात ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन OIC और शीघ्र दर्जा बढ़ाकर नवरत्न की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसमें इन उपक्रमों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मतलब इन कंपनियों को भी नवरत्न की कंपनियों में शामिल करने की घोषणा की गई, जिससे इनको अधिक से अधिक वित्तीय सहायता मिल सके। इसके अलावा देखिए वर्तमान में अधिकांश लोक उपक्रम जो सूचीबद्ध है वह नवरत्न का दर्जा प्राप्त है।
भारत में सरकार ने अपनी ब्लू चिप कंपनी, उदाहरण के लिए गिल, एनटीपीसी और ओएनजीसी, व्हील, सेल और ओआईसीएल को महानवरत्न का दर्जा, जो मतलब जो वर्तमान में नवरत्न कंपनी थी उनको तो महानवरत्न कंपनी का दर्जा देने के लिए घोषणा की, और जो जो कुछ अधिक लाभ कमाने वाली कंपनियां उनको नवरत्न कंपनियों में शामिल करने का घोषणा कर दी गई। इस तरीके से निजीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो देखिए आई फ्रेंड्स, आपको निजीकरण के बारे में पूरा समझ में आ चुका होगा। इसके बाद में मैं कल्पना करता हूँ फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक होते हैं उनका सिलेबस थोड़ा लंबा होता है, मतलब एक तरीके से टॉपिक का विस्तार बहुत तेज बड़ा होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करता हूं कि आपके लिए कोई टॉपिक में से कोई भी बात छूटे नहीं, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी लंबी होती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे आशा करता हूं कि आपको मेरी वीडियो में सभी तरीके के वो पॉइंट मिल जाएंगे जो आपको कहीं वीडियो में नहीं मिले होंगे। फ्रेंड्स आपको अच्छे से अच्छे समझाने के लिए हमने टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। वीडियो लंबी होती है, उससे परेशान मत होइए, वीडियो को अच्छे से देखिए और मेरे बोलने पर ध्यान दीजिए, बोलने के जो बातें हैं उनको जरा गौर से सुनिए। वीडियो आपको अगर बोर्ड साफ नहीं दिखता है तो आप अपनी वीडियो को क्वालिटी को HD में कन्वर्ट करिए और उसके बाद देखिए आपको वीडियो बोर्ड की क्वालिटी भी अच्छी दिखने लगेगी। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमारे इस चैनल में सिर्फ इकोनॉमिक्स से संबंधित वीडियो और जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल की जो महत्व रखने वाली टॉपिक है उनके बारे में समझाया जाता है। फ्रेंड्स